नमस्कार। नस के दबने के कारण पाँव में कभी कभी हाथों में भी कमजोरी हो सकती है। ये नसों का दबना कई कारणों से होता है, जिसमें कभी खासकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों को टीबी के कारण ये परेशानी होती है। कभी चोट लगने के कारण भी हो जाती है, कभी उम्र और जीने के तरीके के कारण धीरे धीरे भी चीज़ें बढ़ती है, जैसे कि किसी को डिस्क प्रोलैप्स वगैरह भी हो जाता है, लिस्थेसिस वगैरह भी कहते हैं, ये सारे भी परेशानियाँ। कभी ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, और कुछ लोगों में जन्म से हड्डियों के बनावट में कुछ गड़बड़ी होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और नस उसमें दब जाता है। ऐसे में शुरू में मेडिसिन, जैसे टीबी की भी बीमारी है तो शुरू में तो मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, करना होता है, और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो कभी कभी सिर्फ मेडिसिन से भी आराम मिल जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हम नस जहाँ पर दब रहा होता है वहाँ पर रिलीज करके, और कभी कभी यदि ज़रूरत हुई तो उसको स्क्रू और रॉड से जोड़ करके मजबूत भी बनाते हैं, बीच में हड्डियाँ वगैरह डालकर हड्डियों को जोड़ देते हैं ताकि वो सारी हड्डियाँ एक हड्डी बन जाए, उसके बीच में जॉइंट्स ना हो, डिस्क ना हो। पैरों में यदि कमजोरी हो गई है, जिसको कहते हैं जान नहीं है, जान चली गई है, तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट के चांसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि सर्जरी से पहले कैसी हालत थी। यदि बहुत दिनों से पाँव में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पाँव ढीला पड़ गया है, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम होते हैं। यदि थोड़ा भी मूवमेंट बचा हुआ है या जो कमजोरी है वो कुछ घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों की है, 24 घंटे 48 घंटे की है, और ऐसे में यदि हम सर्जरी कर लेते हैं तो इम्प्रूवमेंट के अच्छे चांसेस होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि एक बार यदि पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो फिर उसमें वापसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी बचा हुआ है, एक अच्छा नियम यह भी है कि ऑल और नॉन फिनोमेना कहते हैं कि यदि थोड़ा भी मूवमेंट है तो उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट होता है। थोड़ा टाइम लगता है, कई बार कई महीने लग जाते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट होता है। यदि पाँव में या हाथों में नर्व के दबे होने की शंका है, दर्द हो रहा है या कमजोरी हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सके न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, ताकि यदि ज़रूरत हो तो समय रहते सर्जरी की जा सके और आपको पूरी तरह से स्वस्थ जीवन मिल सके। देर हो जाने के बाद फिर काफ़ी मुश्किल होती है। हम रखें आपका ख्याल।